हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैंने बनाया है आलू और प्याज का बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसको ज़्यादा बेलने का झंझट नहीं है। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आटा मैंने बिल्कुल बारीक लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक वाली छलनी से छाना है। तो बिल्कुल मैदा के जैसे लग रहा है, बस मैदा थोड़ा वाइट होता है, ये थोड़ा सा ब्राउन होता है, इतना ही फर्क है, बाकी बिल्कुल मैदा के जैसे ही आटा है। और साथ में मैंने 1/2 कटोरी मैदा लिया है ताकि इसमें वाइटपन रहे। और अभी मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, तो 1 चम्मच मैंने मीठा सोडा लिया है, और ये वाली 4 चम्मच भर के मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। जो ये वाली चम्मच है, ये हमारी जो टीस्पून होती है उसका 1/4 हिस्सा होता है, तो यानी कि मैंने 1/4 हिस्सा मीठा सोडा लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। और अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी मैंने कस्तूरी मेथी लिया है। इससे हमारा इस टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने घी डाला है। आप चाहे तो तेल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लिया है। तो इसका डो हमें ना टाइट करना है, ना ही ज़्यादा लूज करना है, बस मीडियम साइज़ का रखना है। जैसे हम आटा के लिए डो बनाते हैं वैसे आटा में लगाना है। और अभी इसको अच्छे से मैं लगा के रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख लिया साइड में। और जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं, इनको मैं मैशर से अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहे तो कद्दूकस कर ले सकते हैं, कद्दूकस से भी अच्छे से मैश हो जाता है। और अभी मैंने ये हरी प्याज लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। और साथ में थोड़ा सा धनिया लिया है, इसको भी बारीक काट लिया मैंने। और मैंने 2 हरी मिर्च लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने चाट मसाला लिया है, और भुना हुआ मैंने जीरा लिया है, और साथ में मैंने नमक लिया है। नमक हम ध्यान से डाल लेंगे, क्योंकि नमक हमने आटे में भी डालना है, इसे नमक का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा मैंने नींबू का रस निचोड़ लिया इसके अंदर, और अभी सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हम साइड में रख लेते हैं। और जो हमारा आटा है वो भी 10 मिनट हो चुके, रेस्ट कर लिया इसने भी। आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना टाइट बना है ना ही पतला बना है। अभी इसके हम आटे की जैसे लोई बनाते हैं आटे की, वैसे हम इसकी लोई बना लेंगे। अभी 1 लोई को मैंने ले लिया है, अभी इसको मैं गोल गोल कर लूँगी और चकले के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल लेंगे। और अब इसको अच्छे से बिल्कुल पतला बेल लेंगे, बिल्कुल जितना हो सके उतना हम इसको पतला बेल लेंगे, इसको मोटा बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल पतला हो सके उतना पतला हमें इसको बेलना है। तो देख सकते हैं मैंने लोई ज़्यादा मोटी भी नहीं लिया था, और सारे जो हमारे चकले के ऊपर उस अच्छे से मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। अब इसको हम चारों तरफ से काट देंगे, क्योंकि ये कोने हैं, इसको ये मोड़ जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फिर ये अच्छे से नहीं फोल्ड होंगे, इसलिए हमें चारों तरफ से इसको काटना है, चौकोर रखना है। अभी इसको मैं बीच से काट लूँगी, मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो आप इसको ऐसे ही रख कर मसाला भर के बाद में भी इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं। अभी मैंने चटनी लगा लिया है, आप चाहे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप केचप भी लगा सकते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा तीखा हो जाता है। तो दोनों में मैंने मसाला भर लिया है, और अभी इनको मैं फोल्ड कर लूँगी। तो दोनों तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया है। तो देख सकते हैं दोस्त, इसमें कोई भी बेलने का झंझट नहीं रहता है। अभी मैंने इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया अच्छे से, सभी पीस को मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया है। और अभी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, और एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है,
हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ही कम तेल या घी में तैयार हो जाते हैं। तो अभी सारे पीस मैंने इसके अंदर रख लिए हैं। इसमें देख सकते हैं आप, कोई झंझट नहीं है। अगर अब बच्चा भी नया नया बना रहा है, सीख रहा है, तो भी इसको आसानी से बना सकता है। तो एक साइड से हमारी ये सीख चुके हैं, अब दूसरी साइड में इसको सेक लूँगी। बस हमें दबाना है इसको थोड़ा सा सेकने के टाइम पे, ताकि कच्चे ना रहे। इसको दबा दबा के सेकना है और इसमें बहुत ही कम तेल लगता है। अब इसको चारों तरफ से मैंने अच्छे से सभी को दबा लिया है, ताकि इसके कोने हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। और गैस का फ्लेम हमें धीरे ही रखना है, इसको हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमारे पक चुके हैं, तो अब इसको हम सभी को पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, कितना ही खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये। तो 2 मिनट के लिए हम इसको भी दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। तो दोनों साइड से हमारे बहुत अच्छे से बनते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप नए नए हैं तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होकर इसको खाते हैं। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।